हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपनी क्लास है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। नया टॉपिक शुरू करते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसके बारे में सबसे पहले ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। अब देखो, ओस्टेड ने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखो, ये प्रयोग जो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, ये सडनली हुआ था, मतलब पर्टिकुलर को ऐसे डिसाइड नहीं था कि ओस्टेड को ये प्रयोग करना। हुआ क्या, ओस्टेड एक बार कोई लेक्चर, कहीं पर कोई लेक्चर स्टैंड पर खड़े होकर कोई लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर स्टैंड पर उन्होंने कंपास रख रखी थी, मतलब चुंबकीय सुई, और वो किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। बात करते करते अचानक नज़र उनकी अपनी कंपास पर गई जो लेक्चर स्टैंड पर रखी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेट निडल है, जो चुंबकीय सुई है, वो नॉर्मली आप जानते हो कोई भी चुंबक है वो अगर अपन नेचुरली उसको अगर अपन फ्री रखें तो हमेशा किस साइड में रहेगी? नॉर्थ और साउथ में। भाई चुंबक को अगर आप धागे से बांध कर लटकाओगे तो चुंबक किधर लटकती है? हमेशा उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। ऐसे ही अगर जो अपने निडल है, मैग्नेटिक निडल है, जो कंपास अपन जो लेते हैं चुंबक की, किसको पहले किसके काम में लिया करते थे? दिशा ज्ञान करने, आज भी लेते हैं समुद्रों के अंदर। तो उसने देखा कि ओस्टेड ने देखा कि जो मैग्नेटिक जो निडल है वो नॉर्थ साउथ में न होकर उससे कुछ विस्थापित है। नॉर्थ साउथ में न होकर क्या थी? विस्थापित थी। तो ओस्टेड थोड़ा सरप्राइज हुआ कि यार ऐसा क्या कारण है कि मैग्नेट तो हमेशा कहाँ रहती है? नॉर्थ और साउथ में रहती है, तो ये नॉर्थ साउथ में क्यों नहीं है? तो फिर उन्होंने इस चीज को आगे देखा तो पता लगा कि वो भाई जो माइक यूज कर रहे हैं, माइक का जो वायर था, आप भी जानो माइक के वायर में करंट होता है लो लेवल का, भाई एम्पियर कम होता है लेकिन करंट तो फ्लो होता है। उस करंट के कारण उसमें डिफ्लेक्शन आया था, विस्थापन आया था। वहां से फिर उन्होंने ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एक सर्किट लिया, जैसे एक सर्किट में एक बैटरी यूज करी, ठीक है। बैटरी के आगे आप भी जानते हो क्या होती है, कुंजी यूज कर लेते हैं अपन ने, अपने एक कुंजी यूज कर ली, ये लो के ये बैटरी होगी प्लस माइनस। कुंजी के आगे अपन एक रियोस्टेट यूज कर ले, धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक यूज कर लिया अपन ने, ठीक है। ये रियोस्टेट यूज हो गया, धारा नियंत्रक हो गया, और ऐसे एक सर्किट लिया। अब आप भी जानते हो अगर कुंजी बंद है तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो वो कहाँ होगा? प्लस से माइनस, ये मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इसको आर एच लगा दिया, इसको बैटरी अपन कोई ई दिखाते हैं, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इसमें जब करंट आई फ्लो हो तो देखो, एक तो ये कंडीशन है जब करंट फ्लो हो रहा है, और एक मान लो कि यही सर्किट होता कि जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, जैसे इसके बगल में बना देता हूँ, आपको दोनों का कंपेरिजन करा के बता देता हूँ। जैसे ये बैटरी, ठीक है, ये यहाँ पर कुंजी ले ली, और ये अपन ने धारा नियंत्रक ले लिया, और ये लो ये ई, ये के, ये आर एच। अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है, देखो अपने कुंजी खुली रखी है, ठीक है। जब कुंजी खुली रखी है उस कंडीशन में क्या किया उन्होंने, यहाँ पर एक चुंबकीय सुई काम में ली, उन्होंने एक चुंबकीय सुई काम में ली, ठीक है, ऐसी निडल ले ली, ये मैग्नेटिक निडल ले ली, ऐसे। ये पहली कंडीशन कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक निडल ली, उन्होंने एक चुंबकीय सुई को काम में ले लिया, जैसे किसी स्टैंड पर रखी हुई है, मान लो ये किसी स्टैंड पर ऐसे मैग्नेटिक निडल रखी है, ठीक है। अब देखो ये इसका सिरा ले लिया अपन, एन सिरा हो गया, ये सिरा हो गया, एस सिरा हो गया, ठीक है। अब नॉर्मली कोई भी मैग्नेट है वो हमेशा, मैंने आपको बताया किस साइड में रहती है, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ में। कब? कि जब परिपथ में धारा प्रवाह नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है।
मतलब ये कंडीशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का अपन एक नंबर इसको देंगे अपन, कि एक सर्किट ले लिया उन्होंने और सर्किट लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इस सर्किट के पास, इस तार के पास उन्होंने चुंबकीय सुई को रखा। जब चुंबकीय सुई को रखा, इस तार में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये चुंबकीय सुई कहाँ थी? उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, अब देखो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो जब यहाँ पर मैग्नेट को रखा है उन्होंने, तो हकीकत में चुंबकीय सुई होनी तो कैसी चीज थी भाई? होनी तो चुंबकीय सुई इस टाइप से चीज थी कि भाई ये इस टाइप से रहती है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अब इसमें इसने करंट फ्लो कर दिया, वो स्टेट ने करंट फ्लो किया, तो ये चुंबकीय सुई है वो अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित हो गई। ये चुंबकीय सुई अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित हो गई, ऐसे ऐसे स्थापित हुई। ठीक है, मतलब ये N और S है, ये ऐसे डाइवर्ट हो गए, ऐसे विस्थापित हो गए। देखो आप, ठीक है, कब? जब अगर अपन ने इसमें करंट फ्लो किया तो, अब देखो मतलब क्या हुआ, सेकंड पोजीशन में क्या है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित हो रही है, हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखो, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा उस कंडीशन में आपकी मैग्नेट जो निडल है वो क्या है कि नॉर्थ साउथ की कंडीशन में है, उत्तर दक्षिण में है। और दूसरा प्रयोग में उन्होंने देखा कि जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित, मतलब यहां पर परिपथ का तात्पर्य इस तार से, इस तार में जब करंट फ्लो हुई, ये तार ए बी ले लो आप, ए बी, इस ए बी तार में जब धारा प्रवाहित करी, तो इस तार में धारा प्रवाहित होने पर आपकी चुंबकीय सुई है वो अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित हो गई। ठीक है, थर्ड क्या किया उन्होंने कि यही सर्किट तो लिया, लेकिन तीसरी बार में क्या किया उन्होंने सर्किट के अंदर, देखो आप थर्ड कंडीशन के अंदर में सर्किट में क्या लिया कि थर्ड कंडीशन में आप ध्यान से देखिए कि तीसरी बार में जब इन्होंने लिया तो इनका था कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, जैसे मान लो ये माइनस ले लें इस बार बैटरी का, ये प्लस ले लिया अपन ने, ठीक है, ये अपन ने अगर प्लस ले लिया इधर से, तो इसकी जब इन्होंने बैटरी के डायरेक्शन चेंज करी तो इधर ये की लगा दें अपन कुंजी के, और इधर ये लो रियोस्टेट यूज कर ले RH, और ये आपका तार हो गया AP, ये प्लस माइनस। तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर ली। देखो इसमें तो करंट की डायरेक्शन ये थी, इसमें तो करंट की डायरेक्शन ये थी, और इसमें करंट की डायरेक्शन ये करती, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, जब करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो उस कंडीशन में आपकी मैग्नेट निडल रियल में नॉर्थ साउथ में रहनी तो ऐसे चाहिए थी भाई, ये तो इसकी प्राइमरी कंडीशन है कि ये होनी तो ऐसे ही चाहिए। ठीक है, कि ये N और S, लेकिन आप जानते हो करंट की डायरेक्शन चेंज होते ही ये निडल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। विस्थापित तो हुई लेकिन पहले जो विस्थापन था उससे उल्टा हुई है। देखो अब की बार ये विस्थापन इधर हुआ है ये। अब देखो ये तीन एक्सपेरिमेंट है, तीनों को आप दोबारा समझ सकते हो। फर्स्ट कंडीशन, अपन ने एक वायर लिया एपी, इस वायर के अंदर जब अपन ने धारा प्रवाहित करी नहीं धारा प्रवाह नहीं हुआ, तो इसके बगल में रखी चुंबकीय सुई में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बात, अपने इस तार ए बी में धारा प्रवाहित करी तो अपने देखा कि इसके पास रखी चुंबकीय सुई विस्थापित हो गई। और तीसरी बार में अपने क्या किया कि जो परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा था उसकी दिशा को बदला, उसकी
दिशा को डाइवर्ट कर दिया। जब उसकी डायरेक्शन डाइवर्ट हुई तो अपन ने देखा कि चुंबकीय सुई विस्थापित तो हुई लेकिन पूर्व विस्थापन का अब की बार क्या हुआ, उल्टा हुआ। पहले विस्थापन जो जिस डायरेक्शन में था उसका अब की बार क्या हुआ, उल्टा हुआ। ठीक है, मतलब यहां से कुछ निष्कर्ष निकल के आए, ओस्टेड के प्रयोग में के कुछ निष्कर्ष आए कि अगर अपन किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कैसे सिद्ध हुआ, क्योंकि अपन ने देखा जब भी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विस्थापन पैदा हो रहा है, वह उत्तर दक्षिण से विस्थापित हो रही है। तो ये चीज क्लियर हुई। फिर सेकेंडरी चीज अपने क्या देखी कि जब अपन करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में चुंबकीय सुई विस्थापित तो हो रही है लेकिन पूर्व विस्थापन का उल्टा हो रहा है। जो पहले विस्थापित हुई उससे क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो यहां पर जैसे ही अपन करंट के डायरेक्शन चेंज करेंगे आपके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाएगी। तो अब देखो अपन यहां पर निष्कर्ष पढ़ते हैं, तो मुख्य आपको ध्यान क्या रखना है, निष्कर्ष। ये देखो इतना तो प्रयोग तो मैंने इसलिए समझाया कि थोड़ा इंटरेस्ट हो आपको भाई पढ़ने में समझने में कि ओस्टेड ने कैसे कैलकुलेट किया था। ठीक, अब देखो निष्कर्ष में पहला क्या था, चालक तार में धारा प्रवाहित, चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये चीज तो अपने प्रयोग में देख ली, स्थापित हो जाता है। क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई प्रयोग में, भाई अपन ने देखा कि जब भी अपन ने वायर में करंट फ्लो किया तो मैग्नेट अपनी जो माध्य स्थिति है उससे विस्थापित हुई। अब चाहे वो करंट की डायरेक्शन चेंज होने के कारण विस्थापन चाहे चेंज हुआ हो, लेकिन ये तो फिक्स है कि जब भी धारा प्रवाहित करी तो आपकी मैग्नेट क्या हुई, विस्थापित हुई। तो ये निष्कर्ष तो क्लियर हुआ कि चालक तार में जब भी अपन धारा वो प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगी। अब इसका कारण यहाँ पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया और इसका खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र, दोनों आपस में मिले जिसके कारण क्या हुआ, इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना के कारण क्या हुआ, विस्थापन पैदा हुआ। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या था। अब यहां से पता चीज हुआ कि चालक तार में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र का कारण कौन है, धारा प्रवाह। अगर आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अगर धारा प्रवाह बढ़ाएंगे तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो वही चीज है, यदि तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक, जैसे अपन इसके अंदर अपन करें, यदि तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है भाई, अब ये तो चीज क्लियर है। जब पहला वाला निष्कर्ष है कि तार में धारा प्रवाहित हुई तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो सामान्य बात है जिस रीजन के कारण उत्पन्न हुआ उसकी अगर वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे, अगर इसमें भाई किसके कारण पैदा हुआ है, धारा के कारण, तो धारा प्रवाह अगर बढ़ेगा तो सामान्य से बात है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। ठीक है, अब थर्ड बात, तार के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है,
बिल्कुल है, प्रैक्टिकली बात है कि जिस तार के में धारा प्रवाह के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके सन्निकट उसके आसपास उसकी तीव्रता क्या रहेगी, ज्यादा प्रबल होता है तथा दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है, क्षेत्र दुर्बल हो जाता है या घट जाता है, दुर्बल हो जाता है। ठीक, ये चीज भी है कि तार के पास चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्यादा रहेगी और दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कम हो जाएगी। एक चीज और की थी क्या कि धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल सकती है, ये अपन ने देखी थी। तो अपन क्या कहें, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, की दिशा बदल जाती है। ठीक, अब यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई ना आपको पॉइंट के, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्यों, अपन ही कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की कि जैसे आप करंट फ्लो की डायरेक्शन बदलेंगे तो क्या होगा, जी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाए। तो चार निष्कर्ष तो आपको एकदम इजी इस प्रैक्टिकल में प्रूव हुए। क्या कि जब भी अपन किसी तार में धारा प्रवाहित करेंगे उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। क्यों, क्यों अपने प्रैक्टिकल में देखा कि जैसे ही अपन ने करंट फ्लो करी आपकी मैग्नेट नीडल क्या थी, विस्थापित हुई। और जब करंट फ्लो नहीं थी तो मैग्नेट नीडल क्या थी, उत्तर दक्षिण में थी, चुंबकीय सुई में कोई विस्थापन नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने धारा प्रवाहित करी आपकी चुंबकीय सुई विस्थापित हुई। सेकेंडरी कि अपन जानते हैं इसके पास जिस तार में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा उस तार के पास चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इससे दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता चला जाएगा, दुर्बल रहेगा। थर्ड कि जैसे अपन चुंबक जो धारा प्रवाह की दिशा बदलेंगे, जैसे वामावर्त या दक्षिणावर्त, भाई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप करंट फ्लो को जैसे ही चेंज करेंगे तो अपन जानते हैं कि आपकी जो चुंबकीय सुई का विस्थापन है वो पूर्व विस्थापन का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। भाई करंट फ्लो को अपोजिट किया तो आपकी चुंबकीय सुई का विस्थापन भी क्या हो गया, देखो उल्टा हो गया। ठीक है, इन दोनों में देखो आप कंपेरिजन करके देख लो भाई, इस प्रकार इसका विस्थापन एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है। तो एक करंट फ्लो जैसे ही चेंज हुआ तो क्या हुआ कि आपकी चुंबकीय सुई का विस्थापन भी उल्टा हुआ है। जिससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, ये बात हुई। और एक चीज और कह सकते हैं कि ये तार है, मान लो इस तार में करंट फ्लो हो रहा है तो इस तार के ऊपर और नीचे दोनों साइड में चुंबकीय क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में होता है। तो आप इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, आगे आपने क्लियर होगा कि धारावाही तार के ऊपर व नीचे स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होती है, की दिशा परस्पर विपरीत होती है। ठीक है, विपरीत होती है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी में होगी, भाई तल के भीतर होती है बाहर होती है, तो ये सब चीजें तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी भाई कौन से डायरेक्शन में होता है चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन ये फिक्स है कि इस तार में अगर करंट फ्लो के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर और नीचे दोनों साइड में चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। तो ये ओस्टेड का प्रयोग था और ओस्टेड ही ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने आपको क्या बताया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की करंट विद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, आपने 10th तक पढ़ा होगा फैराडे उन्होंने कि मैग्नेट से करंट बनना आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपने एसी आर्मेचर पढ़ा होगा। लेकिन ओस्टेड ने बताया कि करंट से मैग्नेट भी बनता है। भाई मैग्नेट से करंट तो अपन जानते हैं भाई 10th क्लास में आ जाता है, लेकिन किससे कि करंट से मैग्नेट बनना के बारे में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, आपके ओस्टेड ने किया। ठीक है, तो आपको इसके अंदर इसके निष्कर्ष बहुत ध्यान रखने, निष्कर्ष बहुत मोस्ट है, इनके ऊपर पूछा जा सकता है कि भाई क्योंकि सारा चैप्टर का बेस यहीं से शुरू होगा कि टोटल चैप्टर में यही चलना है कि अपन करंट फ्लो करेंगे और उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे कैसे आने हैं,
बड़ा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी अगर आप बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो ओस्टेट के प्रयोग से हमें क्या क्लियर हुआ कि जब भी अपन किसी तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। धारा की दिशा बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। धारा की प्रबलता मतलब धारा का मान कम ज़्यादा करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम ज़्यादा होगा, और जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसके पास चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा और दूर कम होगा। और लास्ट पॉइंट और पढ़ा कि किसी भी तार के में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार के ऊपर और नीचे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो आज अपने इतना ही करेंगे ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, थैंक्स।